केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री मनीन्द्र पांडे ने निजामाबाद के सांसद धर्मपरी अरविंद पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्री ने कहा है कि अब तक सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति 6 बार अरविंद पर हमला कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने शुक्रवार को नगर कुर्नूल जिला केंद्र में आयोजित लोकसभा प्रवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है और ये तय है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में तेलंगाना नगर कुर्नूल निर्वाचन क्षेत्र से हैदराबाद तिरुपति तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। इससे इस क्षेत्र में काफी विकास होगा। इसी तरह केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि गढ़वाला से मरचला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी जाएगी। सब कुछ के बावजूद, चुनाव में भरोसा देने के बावजूद, सुधाकर राव के चुनाव में और जैसा गडकरी जी के चुनाव में बताया, गडकरी जी आए थे, बंगारू सुत्ती ने बताया, फिर भी सारे प्रोजेक्टों पर काम हमारी सरकार ने किया। 30 वर्षों से सिद्धेश्वर सोमशिला पुल 90 किलोमीटर की हैदराबाद से तिरुपति की दूरी कम होगी, ये डिमांड 30 इयर्स से पब्लिक की डिमांड। ज्वाइंट प्रोविंस रहते हुए भी कांग्रेस की सरकार आश्वासन देती गई और फिर ये आई सरकारें, दोनों ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं थैंक्स करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को। ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में ही 11,000 करोड़ का 3 किलोमीटर का केबल ब्रिज और दोनों तरफ 900 करोड़ का तेलंगाना की तरफ 800 करोड़ आंध्र की तरफ हाईवे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया।